कोवेलेंट बांड में एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इससे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आयोनिक बांड, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, एक दूसरा एटम है वो भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, क्योंकि एक जैसे एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इन दोनों की सेम है। तो ऐसे एटम क्या करते हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की मजीद तीन टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला जो टाइप्स है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे नंबर पे है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जो लास्ट वन है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ, वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अगला एटम भी क्या कर लेते हैं उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर दो ऑक्सीजन है, जब आपस में मिलते हैं वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। यानी इस ऑक्सीजन ने भी आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए। क्यों दो शेयर करते हैं, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि जब एटम आपस में क्या कर लेते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर लेता है, तीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगला भी क्या कर लेता है, इसके साथ तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट के जरिए शो किया है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस के जरिए मैंने शो किया है, तो ये इनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो सेम एटम जब भी आपस में मिलते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डिफरेंट की अगर हम बात करेंगे वो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस आ जाता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की ज़्यादा हो तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर कर लेता है। इसकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा।